नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर की खुली पोल, कपिल की मां बोली, बहू घर पर बैठने नहीं देती, भेज देती है शूटिंग पर। दर्जन भर से अधिक देशों में पाया गया कोरोना का यह खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन, एक्सपर्ट्स ने किया दावा, इस वायरस को डेल्टा से भी खतरनाक बताया। ओमिक्रॉन वेरिएंट इम्यूनिटी को चकमा दे गया तो मचेगी भारी तबाही, ICMR का मॉडल रोक सकता है कोरोना की तीसरी लहर। दिल्ली एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, ओमिक्रॉन के 30 से अधिक म्यूटेंट हैं, बारीकी से रखी जा रही है नजर, बहुत सतर्क और आक्रामक निगरानी रखने की है जरूरत। TET पेपर लीक मामले में CM योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त, बोले आरोपियों पर गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई और संपत्ति भी होगी जब्त। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खां से सीतापुर जेल में मिलने पहुंचे शिवपाल यादव, चर्चाओं का बाजार गर्म, जेल अधीक्षक ने की मुलाकात की पुष्टि। कल यानी 29 तारीख से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, मायावती ने तय किया बसपा का एजेंडा, सपा कांग्रेस पार्टी और TMC भी कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में। उत्तराखंड के चकराता स्थित एक बटालियन में सेना के कई जवान मिले संक्रमित, कोरोना संक्रमित जवानों को किया क्वारंटीन, जिला सर्विलांस अधिकारी ने की पुष्टि। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति, कहा स्वामी रामदेव ने योग की परिभाषा को बदला। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, 5 जिलों पर विशेष नजर, जांच व स्क्रीनिंग का बढ़ेगा दायरा। TET की परीक्षा शुरू होने से पहले ही शामली जिले में पेपर हुआ लीक, पेपर देखकर STF भी हैरान, 3 आरोपियों को STF मेरठ ने शामली से दबोचा। TET पेपर लीक मामले में STF की पूछताछ में हुआ खुलासा, आरोपियों ने मथुरा से 50,000 रुपए में खरीदा था पेपर। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर गृह मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ले सकता है कड़ा फैसला। ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत, भारत अब अलर्ट मोड पर, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लिखी चिट्ठी, जारी किए कई निर्देश। TET पेपर लीक मामले को लेकर एक्शन में आई सुरक्षा एजेंसियां, लखनऊ से प्रयागराज तक 23 आरोपी गिरफ्तार, कईयों के पास मिली प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी। संसद सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए 31 दल, आम आदमी पार्टी का वॉकआउट, MSP पर भी हुई बात। त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों के नतीजे घोषित, 222 सीटों में से भाजपा ने 217 सीटों पर दर्ज की जीत, अगरतला की 51 में से 49 पर भाजपा की हुई जीत। 500 करोड़ से अधिक घोटाले का आरोपी गिरफ्तार, 36 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज, लंबे समय से लखनऊ पुलिस कर रही थी तलाश, हेलो राइड कंपनी का मालिक है अभय कुशवाहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने किया राजनीति छोड़ने का दावा, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को दी चुनौती। मुंबई किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले आंदोलन अभी और अधिक लंबा चलेगा।